से 9वां अध्याय और 22वां पद और 12वां अध्याय का 24वां पद। अच्छा 9वां अध्याय का 22वां पद ये सबको जो मैं सत्य ये है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। इब्रानियों की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और मेरे पास आ जाओ 12वां अध्याय और 24वां पद 24 आ जाओ। देखिए एक ही पद है, जल्दी जल्दी आओ, नेल्सन आएगा फिर इसके बाद। और नई वाचा के माध्यम यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने पर आशीष होवे। नेल्सन हमारे बीच में पढ़ेगा पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और 7वां पद। आज डॉक्टर साहब ने सबको काम पे लगाया है, अच्छा वचन लेकर आए, दो या तीन ऐसे वचन निकाल के लेकर आओ। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और 7वां पद। तो जय मसीह की, तो पढ़ूंगा यूहन्ना का पहला अध्याय और 7वां पद। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आमीन। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पे हम सबों को आशीष मिले, परमेश्वर की दया इसी प्रकार से हम सबों के साथ में बनी रह पाए। तो जितने भी भाई और बहन हमारे बीच में अगुवाई करी थी सो हम इस बात को धन्यवाद के साथ में रखते हैं कि परमेश्वर की आशीष उनके परिवारों में ठहरने पाए। ये समय होगा कि हम परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे और मैं आराधकों से विनती करता हूँ कि वो सामने आए ताकि हम उसके नाम की महिमा एक साथ मिलकर करने पाए। आ जाइए चांद भाई, आ जाइए रिनू सिस्टर, आइए सिमरन आइए, आज आ जाओ आ जाओ। अब अपने स्थानों में खड़े हो जाएं ताकि हम उसके नाम की महिमा करेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु हमारे जिंदगी में बार बार मौके देता है कि हम प्रभु की नौकरी की गाएं और उसमें हमको सिफारिश के गीत में हमारे स्मृति काल में 281 नंबर का गाना है, सबसे लास्ट पेज पे देखिए 281। प्रभु परमेश्वर तू कितना दुहाई
Thank you.
सोचो मन में बेकार का है जीवन, खरीदा है हमें उसने अपने लहू का मोल लेकर, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध कर हमें, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें, उद्धार देता शांति देता, उद्धार देता शांति देता, अनंत जीवन भी देता, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें, पवित्र स्थान में जाएंगे हम उसके लहू के ही द्वारा, पवित्र स्थान में जाएंगे हम उसके लहू यीशु है प्यारा, वो ही है दोनों का सारा, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता है, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता है, सच तो यीशु का लहू हमें हमारे पाप से शुद्ध होता है और हमें चंगाई देता है, हमें बरकत बख्शता है, हमारे जीवनों को चलाता है। प्यार पिता परमेश्वर अपने लहू के द्वारा प्रभु हम सबको पाप साफ करता है। प्यार पिता परमेश्वर हम तेरे कलाम के जरिए, तेरे बातों के जरिए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर दूसरों के सामने एक एग्जाम्पल बन के खड़े होते हैं तेरे मन। प्यारे प्रभु आगे का समय हम तेरे आगे हाथों में सौंपते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, तूने गिलबर्ट भाई के द्वारा जो भी कलाम रखा है मेरे प्यारे पिता परमेश्वर उसको हम सुने, उसको हम समझे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, और प्रभु उससे इबरत हासिल करें मेरे समय। प्यारे प्रभु आगे का समय हम तेरे हाथ में सौंपते हैं, सब कुछ अपने प्यारे बेटे को उधार कर प्रभु उसी के नाम में।